समाजवादी पार्टी में उठे सियासी बवाल पर अब कभी भी पर्दा गिर सकता है। शुक्रवार तक आर पार पर फैसला लिया जा सकता है। एक बार फिर से समझौते की बात कुर्सी की खींचतान पर आकर ही रुक गई है। अखिलेश यादव खेमा शिवपाल की शर्त को मान चुके हैं, लेकिन समझौते की इस आखिरी कोशिश में बात मुलायम सिंह यादव पर आकर अटक गई है। ताकि बात न बनने की सूरत में अखिलेश यादव ने शिवपाल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। सूत्रों की माने तो बुधवार की शाम मुलायम सिंह के आवास पर अखिलेश और शिवपाल में सुलहनामे के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक की शुरुआत में तो सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल थे, लेकिन बैठक शुरू होने के आधे घंटे बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और कोषाध्यक्ष संजय सेठ भी बैठक में पहुंचे गए थे। गौरतलब रहे हैं कि इस सुलहनामे की कमान ये दोनों नेता ही संभाले हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि सुलह के इस आखिरी कोशिश में शिवपाल यादव की शर्त मानकर उन्हें यूपीए में सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात मान ली गई थी, जिस पर शिवपाल ने तर्क करते हुए कहा कि क्या गारंटी है कि क्या आप लोग मुझे फिर कभी नहीं निकालोगे, जिसके जवाब में शिवपाल ने एक शर्त और रखते हुए कहा कि पहले की तरह मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, साथ ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। 2022 में जीत मिलने पर हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही बनाएंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद अखिलेश ने खुला अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बात बन जाती है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी के निष्कासन का पत्र तैयार कराइए। हाय एवरीवन, क्या आपने योयो टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप।